हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपनी वीडियो संख्या 20 के साथ। बच्चों, आशा करता हूं आपने इससे पहले की सभी वीडियो को ध्यान से देखा होगा और प्रॉपरली आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। बच्चों, आज के अपनी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैंड सिद्धांत को। मैं बैंड थ्योरी की बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी इस वीडियो के माध्यम से उसको समझने में। एक्चुअली बैंड थ्योरी करती क्या है बच्चों, यह बैंड थ्योरी आसानी से सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करती है। बहुत आसानी से इजीली वे में बच्चों इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि इस बैंड थ्योरी के कोई भी एक्सपेरिमेंट ट्रुथ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों हम लोग इसके आधार पर सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरी आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनना ताकि जब वीडियो अपलोड करो तो आपको लिखा हुआ बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे, और यदि नहीं दिखाई देता तो मेरी वॉइस के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। बच्चों, बैंड सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी प्रकार के सॉलिड में दो प्रकार के बैंड्स पाए जाते हैं। एक एक पॉइंट को नोट करते रहना। यह सिद्धांत बताता है कि सॉलिड में दो प्रकार के बच्चों बैंड पाए जाते हैं, जिनमें से एक बैंड आपका कहलाता है बैलेंस बैंड और दूसरा बैंड आपका बच्चों कहलाता है कंडक्टेंस बैंड। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो कितने प्रकार के बैंड की मैं बात करता हूं, मैं बता रहा हूं बैंड सिद्धांत के आधार पर सॉलिड में कितने प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। तो दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, पहला बैलेंस बैंड जिसको हम लोग संयोजी बैंड भी कहते हैं, और दूसरा बच्चों कंडक्टेंस बैंड जिसको हम लोग संवहन बैंड कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सिलिकॉन का, सिलिकॉन का SI का एग्जाम्पल लेता हूं। बच्चों, हम सब जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 14 है, परमाणु क्रमांक 14 है, और अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज करूं तो आप लोग कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे 1s2, फिर 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p2। बहुत ध्यान से एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 14 हो गया। और हम सब जानते हैं कि इसके पश्चात बच्चों 3d होगा, लेकिन चूंकि 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हमने यहां पर उसको जीरो दिखा दिया। बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा, हमने यहां पर जीरो लिख दिया। बच्चों, ये जो आप इधर का हिस्सा देख रहे हैं 3s2, 3p2, 3d0, ये आपका बैलेंस सेल कहलाता है। आपसे कोई पूछे ये क्या कहलाएगा, तो ये बैलेंस सेल कहलाएगा। आप सब लोग जानते हैं, सभी लोगों को ये बात पता है कि ये जो हिस्सा है ये सब सेल की बात कर रहा हूँ, ये बैलेंस सेल। अब इस बैलेंस सेल में आप देखिएगा दो प्रकार के ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इस बैलेंस सेल में कितने प्रकार के ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो दो प्रकार के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। एक प्रकार के ऑर्बिटल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा बच्चों फील्ड हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे जा चुके हैं, जैसे 3s2, 3p2। और दूसरे प्रकार के ऑर्बिटल वो हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं हुआ है, अर्थात जो एम्प्टी हैं, जो पूर्णतः खाली है। अब मैं इन्हीं ऑर्बिटल को जो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं और जो खाली हैं उनको लेकर के बच्चों एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। बच्चों, मैं पहले काम करता हूं, मैंने एक लाइन यहां पर, सबसे पहले आप देखिएगा मैं यहां पर एक लाइन खींच लेता हूं, ये 3s की लाइन है। 3s में चूंकि इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद बच्चों मेरे पास 3p2 दे रखा है, मैं यहां पर 3p2 की भी लाइन खींच लेता हूं। चूंकि 3s और 3p दोनों में इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास भी रहेंगे। अब मैं दूसरी की बात करता हूं। बच्चों, दूसरी तरफ हमारे पास 3d है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप लोग बहुत ध्यान से गैस कीजिएगा कि जिसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ ऑर्बिटल ऐसे जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो निश्चित रूप से बच्चों जो खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इम्पटी है, वो हल्का होने के कारण
ऊपर के लिए उठ जाता है और जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरा हुआ है या तो वह अपने स्थान पर रहेगा अथवा वह नीचे के लिए चला जाएगा। जो खाली है वो ऊपर के लिए हल्का होने के कारण जाएगा और जो भरा हुआ है वो या तो अपने स्थान पर रहेगा अथवा अपने स्थान से नीचे चला जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरा हुआ। अब बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, अब दो कैटेगरी हो गई, एक जो हल्के होने के कारण ऊपर चली गई क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे, एक जो भरे होने के कारण अपने स्थान पर रहे अथवा नीचे आ गए। तो अब दोनों प्रकार के ऑर्बिटल के मध्य में बच्चों गैप उत्पन्न हो जाएगा, दोनों के बीच में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाएगा और इस रिक्त स्थान को बच्चों नाम दिया जाता है फॉरबिडन गैप। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये जो गैप है इसको बोलते क्या है, फॉरबिडन गैप। तो दोनों के बीच का जो गैप है बच्चों उसको फॉरबिडन गैप कहते। अब मैं दोनों की परिभाषा बताता हूं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा फिल्ड ऑर्बिटल हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा फिल्ड हैं, जो भरे हुए हैं, उनसे जिस प्रकार का बैंड बनता है उस प्रकार के बैंड को हम लोग बैलेंस बैंड कहते हैं। जो ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं उनके द्वारा जो बैंड बनाया जाएगा उस बैंड को हम लोग बच्चों वैलेंस बैंड कहते हैं, और जो ऑर्बिटल्स खाली हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इम्पटी है, उनके द्वारा जो बैंड बनाया जाएगा बच्चों उसको कंडक्टेंस बैंड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कोई बैंड खाली है तो वो कैसा बैंड होगा, तो बच्चों अगर कोई बैंड खाली है तो वो कंडक्टेंस बैंड होगा अर्थात संवहन बैंड होगा, और जो बैंड इलेक्ट्रॉन के द्वारा फिल्ड है वो कैसा होगा, तो वो बच्चों संयोजी बैंड होगा। बात समझ में आ गई, जिसमें इलेक्ट्रॉन है बच्चों वह बैलेंस बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वह बच्चों कंडक्टेंस बैंड। अब इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। बच्चों अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट्स किया करें ताकि मैं उन कमेंट्स का भी आंसर दे सकूं, और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तब भी आप लोग मुझे कमेंट कर दें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो यहां तक की बच्चों बात समझ में आ गई, कंडक्टेंस बैंड किसे कहते हैं और बैलेंस बैंड किसे कहते हैं। जो खाली होता है बच्चों उसको संवहन बैंड कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरा होता है उनको बैलेंस बैंड कहते हैं। बैलेंस बैंड भरे होने के कारण अपने स्थान पर अथवा नीचे आ जाएगा, और कंडक्टेंस बैंड खाली होने के कारण ऊपर चला जाएगा। दोनों के बीच में कौन सा गैप पाया जाता है, तो बच्चों फॉरबिडन गैप पाया जाता है। अब इन तीनों के आधार पर, बैलेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड और फॉरबिडन गैप के आधार पर हम लोग सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले ऊपर के लिए देखिएगा, हो सकता है नहीं दिख रहा हो तो मेरी आवाज को सुनिएगा बच्चों। जब बैलेंस बैंड अर्थात संयोजी बैंड और संवहन बैंड के बीच में गैप अधिक होता है, बैलेंस बैंड और संवहन बैंड के बीच में गैप अधिक होता है, तो बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टेंस बैंड में गैप अधिक होने के कारण प्रवेश नहीं कर पाते। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, अब आप गैस करें कितना ज्यादा, तो बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक गैप हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक गैप हो सकता है। तो इतना अधिक गैप होगा तो बैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टेंस बैंड में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स का प्रवेश नहीं होगा उस स्थिति में यह बैंड सिद्धांत जो सॉलिड की कैटेगरी बताती है, वो कैटेगरी का नाम है बच्चों इंसुलेटर। बात समझ में आ गई,
बैलेंस सिद्धांत के सॉरी बैंड सिद्धांत के आधार पर जब बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में गैप अधिक होता है तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते और उस समय सॉलिड की जो कैटेगरी हमको मिलती है वो इंसुलेटर कहलाती है। बात समझ में आ गई। मैं दूसरे की बात करता हूं और एक बात, हाँ, मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो सकता है। मैं दूसरे की बात करता हूं बच्चों, नीचे डायग्राम देखिएगा, जब कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड इन दोनों बैंडों के बीच में ओवरलैपिंग होने लगती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर आपको दिखा भी रहा हूं, कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जब ओवरलैपिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, दोनों के बीच का जो फॉरबिडन गैप है बच्चों वो जीरो हो जाता है, तो बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी के साथ कंडक्टेंस बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। और जब बच्चों आसानी से बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में प्रवेश कर जाएंगे उस समय बैंड सिद्धांत के आधार पर सॉलिड की जो कैटेगरी मिलती है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और तीसरे की मैं बात करता हूं, तीसरे में बच्चों आप देखिएगा कंडीशन बिल्कुल अलग है, ना तो दोनों बैंडों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और ना ही बच्चों गैप मैक्सिमम है। जब वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो वो कंडक्टर कहलाता है, जब दोनों के बीच में गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है तो वो इंसुलेटर कहलाता है। लेकिन अगर कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो बीच का जो फॉरबिडन गैप है बच्चों वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है, कितना मैंने बताया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है, तब बच्चों उसमें संभावना बनी रहती है कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्टेंस बैंड में ट्रांसफर किया जा सके। कई तरीकों से, कई मेथड्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से इस छोटे से गैप को, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप को हम लोग तोड़ करके बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्टेंस बैंड में भेज सकते हैं और ऐसी कंडीशन में बैंड सिद्धांत के आधार पर सॉलिड की जो कैटेगरी मिलती है उस कैटेगरी का नाम है सेमीकंडक्टर। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं, जब संवहन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में गैप ज्यादा होता है तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते, तब बच्चों जो हमको सॉलिड मिलता है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं, जो संवहन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता, गैप जीरो होता है या कह सकता हूं दोनों की ओवरलैपिंग हो जाती है, तब जो सॉलिड अपने को मिलता है उस सॉलिड को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और तीसरी बात मैं करता हूं, जब संयोजी बैंड और संवहन बैंड के बीच में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, तब बच्चों किसी कारण से या विभिन्न तरीकों से हम लोग इस बैंड के इलेक्ट्रॉन को यानी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्टेंस बैंड में प्रवेश करा सकते हैं, तो बच्चों ऐसी कंडीशन पर हम लोग बैंड चूंकि सॉरी इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में सक्षम हो सकेंगे तो यह कैटेगरी अपनी कहलाती है बच्चों सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कमेंट हो तो मुझे जरूर कीजिएगा, कोई अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा, इसी वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पर बना सकूँ। तब तक के लिए बच्चों घर पे रहिए, सेफ रहिए।